हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेविंग की रेसिपी। ये सेविंग की रेसिपी जो है मैंने नमकीन स्टाइल में बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बन के रेडी हुई है गाइस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम सेवई को बॉईल कर लेंगे। आप कोई भी सेवई ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो अनिल की भी सेवई ली है जो कि एक लेमन फ्लेवर में आती हैं। इसके साथ एक लेमन का मसाला आता है। तो इसे हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। आप सिंपल सेवई को भी इसी तरीके से बना सकते हैं और लेमन फ्लेवर की जगह लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी सेवई जो है उबल के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो तड़का लगाने के लिए एक पैन में ऑयल ले लेंगे और उसमें हम सबसे पहले मूंगफली और काजू को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम राई और जीरा डाल देंगे, साथ में हम थोड़ी सी उड़द की दाल और चने की दाल डाल देंगे। यहाँ पे हमने कैरेट, कैप्सिकम, टमाटो और अनियन को फाइनली चॉप करके लिया है। सबसे पहले हम करी लीव्स और अनियन को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली, फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिल्ली का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जो तीखा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बाकी की सब्जियां जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम और टमाटो और हल्का सा इन्हें भी हम पका लेंगे। आप अपने पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करने वाले हैं, बस यही दो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, नमक और हल्दी। अब यहाँ पे मैंने वो जो लेमन फ्लेवर इसके साथ आया था मैंने वो ऐड किया है। जैसा मैंने कहा कि आप इसकी जगह लास्ट में लेमन भी ऐड कर सकते हैं, सेम फ्लेवर देगा। और गाइज रियली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बन के रेडी होता है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। अब जो मेरी बॉयल की गई सेवई थी वो मैंने इसमें ऐड की हैं और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो सारी सब्जियां हैं और जो हल्दी का कलर है, नमक है, सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं गाइज़ कितनी खिली खिली बन के रेडी हुई हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती हैं। और अब मैं इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो ऐड कर दूँगी। होपफुली कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और एक बार बनाकर ट्राई करके भी कमेंट ज़रूर करें। Thank you so much for watching my video. Bye bye.